कोई स्मगलर वगैरह बनने का इरादा तो नहीं है? जी नहीं, डॉक्टर बनूंगी मैं। कोई भी तुम्हें मुफ्त में डॉक्टर नहीं बनाने वाला। लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में कंपाउंडर बना दूंगी। मैं इतना अच्छा पढ़ूंगी ना कि मेडिकल कॉलेज वाले खुद मुझे स्कॉलरशिप एडमिशन देंगे। हाँ, स्कॉलरशिप तुम्हें दे देंगे, मगर तुम्हारे गुस्से से ना पना मांगेंगे मेरी तरह। एक दिन ना तुम मेरा यही गुस्सा याद करोगे। और गुस्सा मैं इस बात पे कर रही हूँ कि अभी शाइस्ता की शादी की तैयारियाँ शुरू नहीं हुई और अम्मा ने टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया। मैंने तो कह दिया उनसे कि जो कुछ मेरे लिए जोड़ के रखा है ना वो भी उसी को दे दे। क्या मतलब? तुम्हें शादी नहीं करनी? मुझे? सोचेंगे। हाँ, मगर करनी तो है ना। शाइस्ता ना जिंदगी में एक ही बार दुल्हन बनेगी, क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि पार्लर जाकर तैयार हो, अच्छा सा जोड़ा पहने? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उनकी शादी कल है, अभी वक्त है। इसी बात का तो गुस्सा है, इतने दिनों में भी कुछ नहीं बदलने वाला, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। कह तो तुम ठीक रही। कभी गलत कहा है मैंने? फूफो से कह देना कि मैं आई थी और वो खुद नहीं थी, बस बुला लेती। अरे मेरी और बात तो सुनो तो। लड़की ना बस। अल्लाह बख्शे, सोबिया की दादी जब तक जिंदा थी तो मैं दोस्तों की तरह हर बात में उनसे पूछ लेती थी, लेकिन अब वो नहीं है तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, बच्ची का मामला है। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या है अम्मा, ये फूफो को समझा लें, मुझे हर वक्त बुलाती रहती हैं, 100 काम होते हैं मेरे। बड़े अफसोस की बात है वैसे, उस औरत ने तुम्हारे इतने लाड उठाए हैं और तुम उनके बारे में ऐसे बात कर रही हो। बहुत प्यार है मुझे अपने ददियाल से और खासतौर फूफो से, लेकिन अपनी पढ़ाई का वक्त तो मैं खुद को भी नहीं दे सकती। कैसी बातें कर रही हो, चुप कर जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। वजह? वैसे तुम इसी घर में रहती हो ना, तुम्हें नहीं पता शाइस्ता का रिश्ता फाइनल हो रहा है, इतने सारे काम हैं और फिर शादी के दिन भी रखने हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, हमने अपने घर की भोली गाय ही कुर्बान करनी है ना, जिस दिन चाहे कर दे। वैसे एक लगाऊंगी मैं तुम्हें, इंसानों वाली कोई बात करनी आती है तुम्हें? बड़े छोटे का तो लिहाज ही नहीं है तुम्हें जरा भी। अम्मा, आजकल ना वैसे आपको कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा है मुझ पे। अगर ऐसा है ना तो अपनी लाडली बेटी का टाइटल मुझसे छीन के उस शाइस्ता को दे दें। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर बर्दाश्त करें ना मुझे मेरी अम्मा। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, ये भोली मेरा मतलब मेरी बड़ी बहन के होने वाला शौहर करते क्या है? पेट्रोल पंप का मैनेजर है। अच्छा, और तनख्वाह? 90,000। नशा वगैरह या कोई और इल्लत? मजहबी लोग हैं सर, कोई ऐब नहीं है, लेकिन आप ये सब। देखो यार, इस नौजवान से मेरी भतीजी का रिश्ता होना है। मेरा भाई नौजवानी में ही फौत हो गया था, ये समझो मेरी बेटी है। तो फिर आके बंद करके अल्लाह का नाम ले, अल्लाह पाक बेहतरीन कर देंगे। देखो यार, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि लोग शरीफ और दीनदार हैं, बाकी रिस्क निकाह के बाद मेरा रब कुशादा कर ही देता है। जी सर। ठीक है मोइस, फिर किसी दिन लगाओ मेरी तरफ चक्कर। जी ज़रूर सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह खैर करे, या अल्लाह खैर।